Hello guys, welcome back to our YouTube channel, My Education Support. Myself Anamika. We are talking about the class 10 chapter first, which is the chemical reactions and equations important question, which are included in the three marks. In this video, we are covering the top 10 question of the three marks. Now let's start. सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज दैट अम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन यहाँ पे हमें दिया हुआ है और इनका जो रिएक्शन का नेम है वो हमें बताना है की कौन सा रिएक्शन इसमें हो रहा है ओके okay? तो अगर हम पहला देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड का एस टू के साथ रिएक्शन हो रहा है और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो आपके जो रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल ही आसान तरीका है इसको पहचानने का कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रहा है ठीक है कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब बनाता है तो वो रिएक्शन क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो इसका आंसर जो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा सेकेंड वन ये है कि अगर हम बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन एलमोनियम सल्फेट के साथ करवाते हैं तो हमारा मिलता है बैरियम सल्फेट और साथ में अल्मोनियम क्लोराइड तो अगर आप इस पे फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आयन का क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ठीक है तो हो रहे, वो एक्सचेंज हो रहे हैं बैरियम क्लोराइड और अल्मोनियम सल्फेट बैरियम जो है एलमोनियम का जो सल्फेट है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है बैरियम सल्फेट बना देता है उसी तरह एलमोनियम सल्फाइड जो है वो रिएक्शन कर लेता है एल्मोनियम जो है क्लोरीन के साथ तो बनाता है एलमोनियम क्लोराइड तो इस तरह से आयन का जो होता है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ठीक है यानी कि दोनों आपस में रिएक्ट करके डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो इस चैप्टर को पढ़ाते समय मैंने आपको अच्छे से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन जितने भी रिएक्शन है मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो प्रिपिटेशन रिएक्शन देता है यानी कि पिपिटी का फॉर्मेशन करता है ठीक है उसी तरह अगर हम बात करें थर्ड की तो यहाँ पे क्या है आपका फेरिक सल्फेट जो है उसको जब हीट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एफ ए टू ओ थी बन रहा है एसओ टू बन रहा है और एसओ थ्री बन रहा है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि डीकम्पोज हो रहा है ठीक है एक पर्टिकुलर हमारा यहाँ पे एक रिएक्टेंट था जो अलग अलग पार्ट में टूट गया ठीक है तो हमारा डी रिएक्शन हो रहा है ठीक है तो थर्ड क्या आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्ट इन विच फॉलोइंग चेंजेस

सोल्यूसन क्या बन जाता है ब्लू कलर में मिलता है ठीक है आपको पता है कि कॉपर जो होता है वो ब्लू कलर ही सल्यूसन देता है तो कॉपर जो है वो रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है और ब्लू कलर का सोल्यूसन देता है और साथ में जो ए यानी कि जो सिल्वर है ना वो साइनी सिल्वर मेटल विल भी डिपॉजिटेड और क्या होता है साइनी सिल्वर विल भी डिपॉजिट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर हमें क्या चाहिए टेम्परेचर की चेंजिंग चाहिए या तो हमारा हीट का लॉस हो रहा हो या हीट गेन हो रहा हो ठीक है तो इनकी चेंजिंग चाहिए ठीक अब आप, आप देख सकते हैं कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कि आपका एक बेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते तो हमारा क्या बनता है सॉल्ट बनता है साथ में वाटर बनता है और हीट इवॉल्व होती है तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं कि द टेम्परेचर विल इंक्रीज बिकॉज हीट विल बी इवॉल्व टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हीट का इवोल्यूशन हो रहा है इस तरह से ये जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे टेम्परेचर की चेंजिंग हुई है नेक्स्ट वन क्या है फॉर्मेशन ऑफ प्रड आपको अभी मैंने बताया था जस्ट टू मिनट बैक मैंने ये बताया था कि पीपीटी का फॉर्मेशन अक्सर कहाँ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है ओके okay? तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अगर मैं लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाती हूँ तो हमें मिलता है लेड आयोडाइड और साथ में क्या मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट ओके okay? अब आप देख सकते हैं कि येलो पिपिटी का फॉर्मेशन होता है येलो पिपिटी कोई और नहीं हमारे क्या है लेड आयोडाइड है येलो और बी टू विल बी फॉर्म इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने किसका बताया चेंज इन कलर चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का हो चुका है ठीक है अब हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं तो जो थर्ड वो ही ये है कि स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना है एंड केमिकल इक्वेशन दैट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग जिसमें ये फॉलोइंग प्रोसेस हो रही हो पहला क्या मैग्नीशियम वायर इज बर्न इन एयर अगर मैग्नीशियम वायर को हम एयर में बर्न करें तो कौन सा रिएक्शंस होगा उसका इक्वेशन भी हमें लिखना है तो देखिए मैग्नीशियम है ठीक है अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है इस तरह से ये रिएक्शन जो होगा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा ठीक साथ ही साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है अगर आप पूछे रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेटल नॉन मेटल वॉट जो भी हो आपका अगर ऑक्सीजन उससे कंबाइन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या होता है रिडक्शन होता है जो कि मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला जो आपका एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन उसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ठीक है नेक्स्ट वन क्या है ये अगर हम इलेक्ट्रिक करेंट को पास कर दें वॉटर में तो क्या होगा जाहिर बहुत ही इजी ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वाटर में तो वाटर में क्या होगा आपका एस टू होगा एस टू में क्या करेगा कि जब वो पास आउट होगा तो हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा इसलिए यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होगा लेट्स कम टू द पॉइंट जैसे कि हम बात करते हैं एस टू जो है अगर हम इसको इलेक्ट्रोलिस करवाते हैं तो हमारा एस टू बनता है और ओ टू गैस बनता है ठीक और आप ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है

अमोनियम क्लोराइड ठीक है जो कि एक सॉल्ट है ठीक है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एनस्टी जो है वो एसिल से कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है अमोनियम क्लोराइड बना रहा है इसलिए ये रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके तो ये काफ़ी फेमस है आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन ये सारे जो रिएक्शन है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है काफ़ी मिक्स वगैरह करके वन थ्री एंड फाइव मार्क्स में डिवाइड करके आपके पेपर में आता कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द इसेंशियल कंडीशन हमें इसेंशियल कंडीशन लिखना है जो कि बहुत जरूरी है इन रिएक्शन के लिए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक जिस कंडीशन में आपका ये रिएक्शन होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है टू ए जी और ब्रोमिन बन रहा है तो मैंने इसके पहले वीडियो में जो कि वन मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने बताया था तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफी वाला एक क्वेश्चन था तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है तो वहाँ पर हम यूज़

और सेकंड क्या है कि कंप्लीट फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन दिया है उसको हमें क्या करना है कंप्लीट करना है तो आप देख सकते हैं एफ एसओ जो है अगर उसको हम हीट करेंगे तो हमारा क्या बनने वाला है एफ तो बना हुआ है साथ में हमारा बनने वाला, तो हमारा बनने वाला SO2 टू एंड तो आप इसको बोल सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ओके नेक्स्ट क्या है कि व्हाट व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम राइट केमिकल इक्वेशन दैट्स वेरी इजी एंड ये मैक्सिमम टाइम बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर हम क्विक लाइम में या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर को अगर हम क्विक लाइम में ऐड करेंगे तो क्या बनने वाला है आपको पता है कि चूना जो होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जब हम इसको वाटर से एड करते हैं तो एक हिसिंग साउंड होता है और काफी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है ठीक है तो हमारा बनने वाला है स्लेक्ट लाइम ठीक है इसको पिछले वीडियो में भी मैंने काफी डिस्कस किया था जो कि वन वायर के क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया हुआ है तो आंसर क्या होने वाला है स्लैग डायम इज फॉर्मड विद हीसिंग साउंड एंड लॉट ऑफ हीट इज एवोल्वड ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव टू ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट अगर दो ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट कर दें इन अ ड्राई ड्राई ट्यूब, ट्यूब में अगर हम हीट कर दें, तो क्या होने वाला है ये लिखना है साथ ही साथ हमें ये बताना है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसा होगा और क्या बताना राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ ठीक है और आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या है कि दो ग्राम फेरल सल्फेट को जो कि आपका एक क्रिस्टल है अगर हम उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में क्या करें हीट करते हैं तो हमारा क्या बनने वाला है तो आपको पता है कि आयरन जो होता है ग्रीन कलर देता है अगर हम उसको बॉयल करें तो हमारा जो कलर होगा ना वो डिसअपियर हो जाएगा तो वही दिया हुआ है कि ग्रीन कलर ऑफ फेरल सल्फेट डिसअपियर एंड रेडीज ब्राउन सॉलिड इज फॉर्म क्या होगा रेडीज ब्राउन कलर की एक वहां पे सॉलिड बन जाएगी नेक्स्ट क्या है कि हमें यह भी बताना है कि एक ऑब्जर्वेशन तो हमने ये दिया दूसरा क्या होगा कि स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर सल्फर क्या होगा बिल्कुल बर्न हो जाएगा तो स्मेल जो होगी सल्फर की बर्न करने की आएगी फिर क्या लिखना है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस तो कौन सा केमिकल रिएक्शन होने वाला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने वाला है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि एफ को अगर हम एस टू ओ से रिएक्शन करवाई ड्राई है, है बॉइलिंग ट्यूब में डाल कर रखे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है डीकम्पोजिशन हो रहा है बिकॉज सल्फर से अलग हो गया है ठीक है और क्या लिखना है केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन से आप और अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे कि अगर हम एफ एसओ फोर को हीट करते हैं तो एफ ए टू ओ थ्री अलग हो गया है ठीक है और एसओ टू अलग होगा एसओ थ्री अलग हो गया है ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट केमिकल इक्वेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस वैन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ जब आयरन जो है रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो कौन सा रिएक्शन होगा मतलब इक्वेशन क्या बनने वाला है तो एफ जो है जब एस टू के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है एफ थ्री ओ फोर और साथ में फोर एस टू तो ये बनेगा फिर क्या है मैग्नीशियम रिएक्ट विद डायलुड एस मैग्नीशियम जो है एस के साथ रिएक्ट कर रहा तो एम टू और एस टू बनने वाला है उसी तरह कॉपर जो है अगर हम उसको हीट करें एयर के प्रेजेंट में तो हमारा क्या बनने वाला है कॉपर ऑक्साइड बनने वाला है ठीक है तो इस तरह से ये जो है आपका क्वेश्चन काफी इजी था इसमें कुछ स्पेशली बताना नहीं था तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेवन ट करें तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, उसका हमें, लिखना है change, और हमें ये भी बताना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो चलिए हम लेड नाइट्रेट को हीट करवाते है ठीक है लेड नाइट्रेट को हमने हीट करवाया तो हमारा लेड ऑक्साइड अलग हो गया साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो गया और ऑक्सीजन जो है अलग हो गया ठीक तो

So, guys, you can say it's very unique question. So, I am giving here a star. Okay. Now, ट इज मेड बाई स्लेटल टाइप केमिकल इक्वेशन स्टल टाइप केमिकल इक्वेशन क्या होता है इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर डिफ्रेंसिएट बिटवीन अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो देखिये हमें इस क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट को कवर करना है पहला क्या है हमें स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन को बताना है फिर साथ में हमें उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करवाना वाटर के साथ और फिर ये बताना है कि केमिकल इक्वेशन जो आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो क्या होता है और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है ठीक है आंसर में आप लिख सकते हैं कि द इक्वेशन इन विच फॉर्म जो भी आपका बन रहा है एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाता है इन स्टेड ऑफ मॉलिकुलर फॉर्म ठीक है भाई मान लीजिए अगर आपका ऑक्सीजन है तो ओ टू हम उसे मैंशन करते हैं जहां पर हम लिख सकते हैं ओ ठीक है बिकॉज इट्स स्कूलेटर इक्वेश एंड इक्वेशन इज नॉट बैलेंस तो कंडीशन क्या है कि पहले हमें एटॉमिक फॉर्म में गैस को लिखना है साथ ही साथ ये भी करना है कि इक्वेशन हमें वहां पे बैलेंस नहीं करना है equation, और ये भी बताता है की जो भी आपका गैसियस एलिमेंट है वो एटॉमिक स्टेट में है और इक्वेशन भी आपका बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H2O जो है आपका वाटर है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे तो हमारा क्या बनेगा H2 और O2 बनने वाला है बट यहाँ पे बैलेंस नहीं है साथ ही साथ वो एटॉमिक फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए ये इक्वेशन हुआ ठीक है हमें डिफरेंस भी बताना है इसलिए हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिटर्न इन द फॉर्म इक्वेशन इज नॉट बैलेंस ये तो मैंने बता दिया साथ में एच अगर है तो एच और ओ तो बन रहा है लेकिन हम क्या किए इधर देखिए अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो बैलेंस नहीं है दैट्स इट इज स्केलेटल

ज so, और प्रोसेस में आप ऑक्सीजन को जब इनहेल करते हैं तो वही ऑक्सीजन आपके अंदर ग्लूकोज से रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड होता है ठीक है तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होता है एग्जोथर्मिक रिएक्शन होता है

हमारा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता और साथ ही साथ वाटर भी हमें मिलता है तो कम्बलसन ऑफ मिथेन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके Now question number ten, which is the last and important question of this video, which is the what is the redox reaction? Redox reaction क्या होता है और हमें क्या बताना है कि identify the substance oxidize and the substance reduce in the following reaction. हमें ये भी बताना है कि कौन सा substance आपका oxidize हो रहा है और कौन सा substance आपका reduce हो रहा है. तो अगर हम short में बताना चाहें, तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है सो वी कैन से दैट दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं और क्या हमें बताना है कि यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज वो होता है जिससे ऑक्सीजन आके जुड़ता है ठीक है और रिड्यूज वो होता है जहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस होता है और हाइड्रोजन आके जुड़ता है ठीक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लेड ऑक्साइड है या फिर कह सकते हैं लेड मोनो है और यहाँ पे कार्बन तो प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे मिलता है लेड और कार्बन

दूसरी तरह हमारा दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और फोर एस सी एल यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बन है साथ में एस टू ओ बन रहा है और साथ ही साथ हमें क्लोरीन भी मिल रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीज़ जो है वो ऑक्सीजन का लॉस कर चुका है इसलिए मैग्नीस ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड होगा और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो आपका हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले रहा है तो ऑक्सीजन को गेन करना क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है तो आप देख सकते हैं कि एसियल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ठीक है हमें यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट साइड है उसी में बताना होता है कि कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है जिसको आपने बहुत ही बारीकी से देखा और समझा है ठीक है तो गाइज इस तरह से टॉप टेन क्वेश्चन थ्री मार्क्स के आपके कंप्लीट होते हैं और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के की साथ शेयर कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर